लखनऊ स्थित नेशनल म्यूजियम में रखी 2000 वर्ष पुरानी एक ममी सभी दर्शकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र थी। उफ, कितनी डरावनी है। 2000 वर्ष पुरानी है यह ममी। ए जी, क्या तुम मुझे भूत दिखाने के लिए यहाँ लाए थे? चलो यहाँ से, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। परंतु अब दर्शकों को उसे देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जदा किदा ही कोई उस म्यूजियम में आता था। एक दिन, ओ, बड़ा ही डरावना व्यक्तित्व है इस व्यक्ति का। अंदर आकर वह तांत्रिक सा नजर आने वाला व्यक्ति सीधा ममी वाले कक्ष में पहुंचा और एक टक उस ममी को देखने लगा। काफी देर बाद जब वह म्यूजियम से बाहर निकला, अजीब आदमी है, न जाने इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था। अगले दिन, अरे आज फिर आ गया। फिर तो रोज म्यूजियम में आना और 2 घंटे तक उस मम्मी को एक टक घूरते रहना उस रहस्यम व्यक्ति का जैसे नियम सा बन गया। पता नहीं साले को इस लाश को देखने में क्या आनंद आता है। और ठीक 40वें दिन, शुम शुम शैतानाय नमः, वहां भयानक रोशनी का एक तीव्र धमाका हुआ। अगले पल, मेरी साधना सफल हुई, जय महाकाल। देखो कहीं साला पागल तो नहीं हो गया। इधर अंदर, जय महाकाल। उफ, नहीं, आश्चर्य, वर्षों पुरानी मम्मी जिंदा हो गई। स्वामी की जय हो, आज वर्षों से भटकती मेरी आत्मा को स्वामी के आवाहन पर मेरा शरीर मिला है। मैं स्वामी का शुक्रगुजार हूँ। दास को हुक्म दे स्वामी, मैं आपके लिए क्या करूँ? तुमने अपना नाम नहीं बताया सेवक। मेरा नाम है इलेउजेंड्रा है स्वामी। इलेउजेंड्रा, मैंने तुम्हें एक आवश्यक कार्य के लिए जीवित किया है। आज्ञा दे स्वामी। मैं आपका हर हुक्म मानूंगा। यहां नहीं, अड्डे पर चलकर बात करेंगे। आओ मेरे साथ। जो आज्ञा स्वामी। तभी जैसे रामदीन को होश आया, ए, रुको, यह सब क्या है? लोजेंड्रा, इस मूर्ख को सामने से हटाओ। जो आज्ञा स्वामी। न, 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 नहीं। अगले पल, बचाओ। और दीवार से टकराते ही रामदीन अपने होश खो बैठा और फिर जैसे ही बाहर निकले, चले थे काल भैरों को रोकने। चलो इलेजेंड्रा। फिर दोनों वहां से एक वैन में रवाना हो गए। कुछ देर बाद नीली वैन शहर के बाहर पुराने किले के खंडहर पर रुकी। इलेउजेंड्रा को लेकर काल भैरव खंडहर के अंदर स्थित अपने गुप्त अड्डे में पहुंचा। इलेउजेंड्रा, पिछवाड़े में तालाब है, तुम वहां जाकर स्नान कर लो। जो आज्ञा स्वामी। इलेउजेंड्रा के जाने के बाद काल भैरव ने अपने चोंगे में से ट्रांसमीटर निकाला। रिपोर्ट ओवर। हेलो बॉस, मैं काल भैरव बोल रहा हूं। बॉस, मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, मैंने मम्मी को पुनर्जीवित कर दिया। गुड, अब आगे तुम्हें क्या करना है यह तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 दिन और हैं। मुझे
अच्छी तरह याद है स्वामी। आप चिंता ना करें, मैं आज से ही कार्य प्रारंभ कर दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है काल भैरव। इसी के साथ दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया। तभी स्वामी मैं नहा आया। अब सुनो, तुम्हें किस लिए जीवित किया है? फिर तांत्रिक काल भैरव एलेक्जेंड्रो को धीरे धीरे समझाने लगा। इसी रात शहर की एक पॉश कॉलोनी में वैन से उतरकर वह कोठी के मेन गेट की तरफ बढ़ा। अंदर आकर कुछ देर बाद कौन हो तुम? उफ! लेकिन जवाब देने के स्थान पर एलेक्जेंड्रा आगे बढ़कर बेड पर सोए बच्चे को उठा लिया। नहीं, दोष छोड़ दे मेरे बेटे को। लेकिन ठहर कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एलेक्जेंड्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो भयानक अंदाज में पीछे लौटा। अगले पल दीवार से टकराते ही वो व्यक्ति अपने होश खो बैठा। फिर एलेक्जेंड्रा बाहर की ओर बढ़ गया। उस रात एलेक्जेंड्रा ने उस इलाके के 5 और बच्चों का अपहरण किया। अगले दिन पुलिस हेडक्वार्टर में, सर, लोगों के बयान से तो यही जाहिर होता है। कि यह उसी मुर्दे का काम है जिसे उस तांत्रिक ने जीवित किया था। यानी म्यूजियम के चौकीदार और गार्ड्स का बयान सत्य था। यस सर, और मुझे लगता है सर कि वह तांत्रिक उस मासूम बच्चों का इस्तेमाल किसी घृणित तांत्रिक कार्यों में करेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो भारद्वाज, लेकिन कुछ भी हो जाए, हम उस तांत्रिक को उसके उद्देश्य में सफल होने नहीं देंगे। शहर के कोने कोने में पुलिस का जाल बिछा दो और रोड ब्लॉक्स लगवाओ। इस बार वह बचना नहीं चाहिए। और उस रात इंस्पेक्टर भारद्वाज राउंड पर, ओह नीली वैन, मुझे चेक करना चाहिए। लोगों के बयान से पुलिस को पता चला था कि एलेक्जेंड्रा नीली वैन से आया था। रुको! लेकिन नीचे गिरते ही भारद्वाज ने रिवॉल्वर निकाल लिया। टायर फटते ही वैन बड़ी जोर से लहराई, लेकिन एलेक्जेंड्रा ने उस पर काबू पा लिया और उसे रोक कर नीचे उतरा। मेरे स्वामी के काम में रोड़ा अटकाने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। उफ, इस पर तो गोलियों को भी असर नहीं हुआ। नहीं, हा 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 हा। आई इंस्पेक्टर भारद्वाज को मौत की नींद सुलाने के बाद एलेक्जेंड्रा इत्मीनान से वैन में टायर बदलकर वहां से रवाना हो गया। उस रात एलेक्जेंड्रा ने 4 बच्चों का अपहरण किया। अगले दिन समाचार पत्रों में, और उधर काल भैरव, तुम्हारे उस एलेक्जेंड्रा ने इंस्पेक्टर का खून करके अच्छा नहीं किया। बॉस, यह खून उसके हाथों अनजाने में हो गया, वरना मैं तो खुद उसे खून बहाने के लिए मना किया था। खैर, मेरा काम तो हो जाएगा ना? आप बेफिक्र रहे बॉस, आपका काम जरूर होगा। काल भैरव, यदि ये वाली 24 तारीख सही सलामत निकल गई तो मैं तुम्हें सोने से तोल दूंगा। बॉस, आगे ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे गांव के गरीब तांत्रिक के पास आज आपकी बदौलत सुख ऐश्वर्य के सारे साधन हैं। कैसे काल भैरव, क्या तुम कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल सकते कि पुलिस का ध्यान भी तुम्हारी तरफ ना हो और हमारा काम भी हो जाए? आप पुलिस की ओर से निश्चिंत हो जाएं बॉस, पुलिस मेरा या एलेक्जेंड्रा का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है काल भैरव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसी शाम शहर के मशहूर ज्वेलर्स पूरनचंद की कोठी में, मम्मी, आज मेरे
क्लब की 5वीं वर्षगांठ है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा, आज तो यदि तुम न जाओ, मैंने सुना है आजकल नगर में किसी शैतानी शक्ति का आतंक है। मम्मी, शैतानी शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, सब बकवास है। ठीक है बेटा, तुम नहीं मानते तो जाओ, पर जल्दी आना। ओके मम्मी, मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन अजय चाहकर भी जल्दी नहीं लौट सका। यार विनोद, आज मम्मी बहुत गुस्सा करेगी। क्यों? मम्मी ने जल्दी लौटने को कहा था। लेकिन एक बज रहा है। कोई बात नहीं, आंटी को कह दूंगा कि हम लोग तुम्हें जबरदस्ती रोक लिया था। तभी बचाओ बचाओ। अजय, तुमने यह चीख सुनी? हाँ, लगता है कोई मुसीबत में है। आओ देखते हैं। कुछ ही क्षण बाद बचाओ। कमाल है, इस घर में चीख पुकार मची है और पड़ोसी ऐसे शांत बैठे हैं जैसे कान में तेल डाल रखा हो। अंदर पहुंचकर अम्मी, बू, मेरा बबलू। लगता है ये वही शैतान है जिसने आज के अखबारों में थी। अगले पल, दुष्ट, छोड़ दे बच्चे को। आई, कमरे की छत से टकराने के बाद विनोद नीचे गिरा तो उसमें जीवन का एक भी लक्षण नहीं था। विनोद, उफ, हरामजादे, बबलू, लीजिए बहन जी, इसे संभालिए। मेरा बबलू। मैं देखता हूं इसे। अगले पल, उफ, जरा भी चूक हो जाती तो मैं इस शैतान के पांव के नीचे आ जाता। वह तेजी से उठा और लेकिन इरोजेनरा ने उसकी लात पकड़ ली। हे, और अगले पल और फिर उफ, नहीं, इतना भयानक दृश्य था कि वह स्त्री दहशत में वहीं बेहोश हो गई। फिर इलोजेंड्रा आगे बढ़ा, बबलू को उस स्त्री की गोद से उठा लिया और वहां से रवाना हो गया। कुछ क्षण बाद सर, मैं इन दोनों को पहचानता हूं। ये शहर के मशहूर जयराम पूरनचंद का बेटा और यह उसका दोस्त है। पुलिस कमिश्नर खुद घटनास्थल पर आए थे। इंस्पेक्टर बेदी, तुम ही इनके घरों में खबर पहुंचाओ। यस सर। अपने बेटे की मौत सुनते ही सेठ पूरनचंद चीख पड़े, नहीं, मेरा अजय नहीं मर सकता। कुछ ही देर में पूरनचंद और उसकी पत्नी घटनास्थल पर पहुंच गए। अजय बेटा, मेरा लाल। सेठ पूरनचंद को कुछ क्षणों तक अविश्वास भरी दृष्टि से अपने बेटे की लाश को देखते रहे। फिर अचानक बाहर की ओर भाग लिए। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है सेठ जी अपने बेटे की मौत से अपने होशोहवास खो बैठे हैं। हाँ, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ क्षण बाद काल भैरव, कमीने, यह तूने क्या किया? बॉस, आप इस समय? हाँ, मैं। बॉस, अब मुझे 10 लड़के और चाहिए, फिर मैं आपके लड़के। हरामजादे, अब किसी लड़के का अपहरण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसकी जान बचाने के लिए, जिसकी लंबी आयु के लिए तुमसे यह सब करा रहा था, वह पहले मर चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ काल भैरव, मेरा राजा मर गया है, मौत से पहले मार दिया उसे तुम्हारे एलोजेंड्रा ने। कमीने, यह सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, ये सेठ का बच्चा तो पागल हो गया है, मुझे सहायता के लिए एलोजेंड्रा को पुकारना होगा। अगले पल, एलोजेंड्रा। अरे, यह तो स्वामी की आवाज है। ओह, स्वामी के प्राण संकट में है। अगले पल, एलोजेंड्रा, इसे जान से मार दो। अभी लो स्वामी। ही, ही, ही। ही, ही, ही। मेरे एलोजेंड्रा को कोई नहीं मार सकता। दुष्ट तांत्रिक इस दुनिया में आज तक कोई भी अमृत प्राप्त नहीं कर सका है। बेशक, लेकिन इसे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि इसे मरने का एक ही उपाय है, और वो उपाय सिर्फ मैं जानता हूं। तभी चुपचाप खड़ा था पूरनचंद जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए बोला, हरामजादे, मैं इस शैतान को नहीं मार सकता तो क्या हुआ?
तू तो मर सकता है। नहीं सर जी, इसे मत मारिए। लेकिन पुरनचंद क्रोध में बदहवास हो गया। ओह नो, बोलो तांत्रिक, भगवान के वास्ते बोलो, तुम्हारे इस शैतान का अंत कैसे होगा? आपको इस शैतान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वशीकरण मंत्र से इसे की वर्षों से भटकती हुई आत्मा को इसके शरीर में पहुंचाकर जीवित किया था। मेरे मरते ही इसकी मौत अपने आप हो जाएगी। ये तो मारा गया। तभी सेठ जी, अब आप बताइए कि असली किस्सा क्या है और आप इसमें कहां से और कैसे फिट होते हैं? बताऊंगा कमिश्नर साहब, लेकिन यह बताइए कि आप यहां कैसे पहुंचे? सेठ जी, हम आपका पीछा करते हुए यहां तक पहुंचे। जब आप अपने बेटे की लाश के पास खड़े हुए बड़बड़ा रहे थे, हरामजादे मैं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो मैं चौंका। फिर आप घटनास्थल को रवाना हुए। सेठ जी की प्रत्येक हरकत रहस्यपूर्ण है, मुझे देखना चाहिए वह इसमें कहां जा रहे हैं। बस इस तरह आपका पीछा करते हुए हम यहां तक पहुंच गए। ओह, अब मैं बताता हूं कमिश्नर साहब, मुझे अलेक्जेंडर नाम के इस शैतान की जीवित करने की जरूरत क्यों पड़ी। यह बात आज से 10 साल पुरानी है। तब मैं एक नहीं पूरे 4 बेटों का बाप हुआ करता था। पापा, आज राकेश भैया की 24वां जन्मदिन है, आप भैया को क्या प्रेजेंट करेंगे? तुम ही बताओ सुरेश, मुझे क्या प्रेजेंट करना चाहिए? मारुति वैन। ठीक है, शाम को पार्टी में केक काटने पहले एक नई मारुति वैन की चाबी राजेश को सौंप दूंगा। ओह, यू आर ग्रेट पापा। लेकिन उस दिन सीढ़ियों से उतरते समय अचानक ही राकेश का पैर फिसल गया और अय्या, उफ, ओ नहीं राकेश बेटा। मेरे बेटे के जन्मदिन की खुशी माता में बदल गई। फिर इसके 4 साल बाद जब सुरेश पूरे 24 साल का हुआ, एक ट्रक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। इस तरह मेरा तीसरा बेटा बसंत भी ठीक 24वें वर्ष में हार्ट अटैक से चल बसा। दया करो हे स्वामी, मेरे जवान बेटों को किसी की नजर लग रही है। उस दिन मेरे एक रिश्तेदार ने हमें बताया, पूरन बेटा, तुम्हारे परिवार को किसी बुरी चीज का साया है, तुम्हें किसी तांत्रिक के चरण में जाना चाहिए। ठीक है मौसा जी। तब मुझे अपने गांव में रहने वाले काल भैरव तांत्रिक की याद आई। दूसरे दिन मैं बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद काल भैरव को मिलने रवाना हुआ। आज लगभग 18 वर्षों बाद मैं गांव जा रहा हूं। काल भैरव के पास पहुंचकर मैंने उसे पूरी बात बताई तो, पूरन भैया, तुम्हारे परिवार पर किसी बुरी चीज का साया है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना जरूर कर दूंगा कि तुम्हारा आखिरी बच्चा पूरे 100 वर्ष जिएगा। काल भैरव, ये तुम ऐसा कर सकते हो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। कर तो मैं निश्चित दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे बेटे को 21 बच्चों के खून से नहलाना होगा। लेकिन बच्चों का खून आएगा कहां से? बच्चों का इंतजाम मैं कर लूंगा, बस तुम्हें कहीं से वर्षों पुरानी लेकिन सुरक्षित लाश मिल जाए तो मेरा काम सरलता से हो जाएगा। लेकिन लाश का क्या करोगे? मैं अपने मंत्र शक्ति से उसे जीवित करूंगा और फिर लाश मेरे लिए 21 बच्चों की व्यवस्था करेगी। अब ऐसी लाश तो शहर के संग्रहालय में है। तब ठीक है, तुम निश्चिंत होकर शहर वापस जाओ, तुम्हारे बेटे की 24वीं वर्षगांठ से 2 माह पहले आकर मैं तुमसे मिलूंगा। बस कमिश्नर साहब, इस तरह आज से 50 दिन पहले शहर आकर काल भैरव मुझसे मिला और फिर आज 3 दिन पहले उसने म्यूजियम में रखी मम्मी को तंत्र विद्या से जीवित किया और फिर आगे सब कुछ आप जानते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद मुझे आपकी सूरत से नफरत हो गई सेठ जी। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 21 बच्चों की 21 माओं की गोद सुनी कर रही आपने। कमिश्नर साहब, मैं खुद अपने भूल के लिए शर्मिंदा हूं और साथ ही सजा पाने के लिए तैयार हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि कानून को शायद मुझे सजा दे पाए, इसलिए मैं स्वयं ही आत्महत्या कर रहा हूं।